हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है और मैं चंडीगढ़ में अपना एक होम्योपैथिक क्लिनिक रन कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों, ये प्रॉब्लम पिछले तकरीबन 20 सालों में बहुत कॉमनली हमारे बच्चों में देखने को मिल रही है, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, या नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। हमारे पास तकरीबन तकरीबन हर कॉन्टिनेंट से आज ADHD के पेशेंट्स आ रहे हैं। मैं अपने होम्योपैथिक क्लिनिक में अपना एक्सपीरियंस से आपको ये बात कर रहा हूँ कि पिछले 20 सालों में शायद इस प्रॉब्लम का जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई हुआ है 100 टाइम्स। यानी जो पेशेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते थे ADHD के, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पर कि बच्चों की देखभाल पे या बच्चों की नर्चरिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, और यहाँ भी ये इस तरह के केसेस जो हैं वो क्वाइट कॉमन हो गए हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। तो बीमारी के नाम से ही हमें तकरीबन तकरीबन पता लग जाता है कि अटेंशन डेफिसिट, यानी बच्चे का जो अटेंशन है, चाहे उसका फॉरगेटफुलनेस है या केयरलेसनेस, पेशेंट जो स्पेशली जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो जब लेके आते हैं हमारे पास इस तरह के बच्चों को, तो मेन जो सिम्टम रहता है वो रहता है ये लापरवाह है, ध्यान नहीं देता। लेकिन जब इस तरह के बच्चों को हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि उसका तो अटेंशन ही नहीं है। यानी ही और शी जो बच्चा है वो स्टिल बैठा रहता है कहीं, या बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, लेकिन आई टू आई कॉन्टेक्ट उसका नहीं है। जो सोशल एक कॉन्टेक्ट होता है वो उसका नहीं है। यानी कहीं जाना है तो वो नहीं जाने के लिए बोलेगा कि मुझे नहीं जाना है, या ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलना है आपको चीजों को कि आप बेटा ये बुक्स अपनी साइड से रखो या ये बैग ऑर्गेनाइज कर लो, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन जो स्किल्स रहती हैं वो उसमें मिसिंग रहती हैं। बोलना कई बार हाइपर एक्टिविटी होती है तो बच्चों की क्या रहता है, मोबाइल में हाइपर एक्टिव है लेकिन स्कूल के होमवर्क में आप ABCD कुछ भी आप लर्न करा रहे हैं या टेबल्स आप लर्न करा रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल या 8 साल तक के, 10 साल तक के बच्चों के लिए। दिस इज क्वाइट अ कॉमन डिजीज नाउअडेज, ADHD। तो इसमें होम्योपैथिकली इस तरह के जो केसेस हैं जहाँ पे स्पीच डिलेड है या जहाँ पे स्किल्स जो है, सोशल स्किल्स जो है वो डिलेड है, वहां पे होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। और होम्योपैथी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, होम्योपैथी में इस तरह की अपार संभावनाएं हैं। मतलब मेरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो पॉसिबिलिटीज क्या वर्ड जो मैंने इसमें देखा है कि होम्योपैथी में अगर हम, क्योंकि हम लोग साइन एंड सिम्टम्स में होम्योपैथी में थोड़ा ध्यान देते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे ये मेडिकल साइंस हमारी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस बनी है। तो जैसे जैसे पेशेंट्स के साइन एंड सिम्टम्स इंप्रूव होते जाते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, उसका अभी वीडियो भी मैं चेक कर रहा था, इस तरह का वीडियो भी आपको हम शेयर भी करेंगे इनका वीडियो। और ये लोकल हमारे चंडीगढ़ का ही केस है, और यहाँ पे बच्चा जो है वो तकरीबन 4.5 साल का हो गया था और बोलता नहीं था, तो इस तरह का जो स्पीच डिले था वो भी अभी बच्चे का पूरी तरह से नॉर्मल हो रहा है आफ्टर से अबाउट 1 ईयर ऑफ ट्रीटमेंट। अभी 1 साल का हमने ट्रीटमेंट दिया है, उसमें बच्चा जो है शार्पली बोल भी रहा है और अटेंशन भी इम्प्रूव हो रहा है, और उसको एक पहले जैसे स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो रहा था उसको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन भी हो गया है। तो इस तरह के बच्चे जो मोस्टली मैं US से जैसे मैं ट्रीट कर रहा हूँ, या न्यूजीलैंड से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया से ट्रीट कर रहे हैं, वहां पे नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशंस भी नहीं दी जाती इस तरह के बच्चों को। तो दोस्तों, माई फ्रेंड्स, मतलब मैं ये आज इस होप के लिए आपको एक वीडियो ये बनाना मेरे को जरूरी लगा कि शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको किसी एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर तक पहुंचा सकूं, चाहे आपके एरिया में नियर बाय में कोई भी अच्छा होम्योपैथिक क्वालिफाइड क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर है जो कि प्रॉपर एनालिसिस करके और प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, उन तक आप जरूर पहुंचें, अपने बच्चे को लेके जाएं। कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा इस तरह के केसेस को जितना अर्ली एज में हम लेके जाएंगे उतना ही हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ADHD का फिर भी कोई भी किसी भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल करें, हम अपना ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के लिंक में देंगे, और साथ में आप व्हाट्सएप चाहें तो हमें व्हाट्सएप नंबर भी हम इसमें शेयर करेंगे। आप इस नंबर पे हमें अपनी कोई भी इस तरह की कोई कंप्लेंट हो तो आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।